हाजीरा थाने में जो है यूपी डिस्ट्रिक्ट बांदा से अतर्रा थाने से एक अपराध ट्रांसफर हो गया है। उसका घटनाक्रम इस प्रकार से है कि अतर्रा डिस्ट्रिक्ट बांदा की जो महिला थी यहाँ पर ग्वालियर में नौकरी करने आई थी और यहाँ पे एक उनके परिचित ने उनको कल्याण हॉस्पिटल में नौकरी राकेश लोधी के माध्यम से दिलवा दी थी। राकेश लोधी ने उनको यहाँ पे किराए का मकान उपलब्ध दिलवाने में मदद की और उसके घर पे आना जाना हो गया और राकेश लोधी ने एक दिन मौका पाकर उसको पिज्जा जो होता है पिज्जा के खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर उसके साथ अंतरंग संबंध बना और उसके अश्लील फोटो खींच लिए। अश्लील फोटो खींचकर उसके साथ उसने ब्लैकमेल करा, उसके सोने की चैन सोने की अंगूठियाँ वो ज़बरदस्ती आड़ीबाजी करके लूट ली और उससे 3 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। जब उसने उसकी पूर्ति नहीं की 3 लाख की तो उसने जो है उसके जो पर्सनल फ़ोटो थे अश्लील फ़ोटो थे उन फोटुओं को उसी की आईडी पर हैक करके वो वायरल कर दिए। युवती ने परेशान होकर जो है बांदा जाकर अपने घर पर अतर्रा थाने में रिपोर्ट की। उसकी रिपोर्ट पर से आरोपी राकेश के विरुद्ध जो है धारा 376 328 और 392 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और यूपी पुलिस ने तत्परता से आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। चूँकि घटनास्थल हजीरा थाना क्षेत्र का था, वो युवती यहाँ रहती थी तो वो डायरी जो है ट्रांसफ़र यहाँ की है तो उसमें तस्दीक करके अग्रिम अनुसंधान कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।